बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7। दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट टर्म। दिस इज़ योर बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस। इन दिस लेक्चर वी कवर द नोटबुक वर्क ऑफ चैप्टर 3। चलें स्टूडेंट्स, अपनी नोट कॉपीज ओपन करें। आपने एक्सरसाइज जो की है लास्ट लेक्चर में चैप्टर की, वो आपने बुक पर ही रहने देना है। आज जो हम करेंगे ये आपने नोट कॉपीज़ पर करना है। जितना पिछले चैप्टर्स का किया ये उसके साथ ही आगे स्टार्ट करें। डेट लिखें, डे लिखें, क्लास वर्क करेक्शन का कॉलम बनाएं। फर्स्ट लाइन में कीबोर्ड चैप्टर नेम लिखें, चैप्टर नेम है कीबोर्ड। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस। कौन सी की है जिससे हम जो है राइट मूव करते हैं मैनी स्पेसेस से पे, तो वो कौन सी है? हम कर्सर को कौन सी की से मूव करते हैं? स्पेस बार की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस। स्पेस बार की या टैब की, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं इसको मूव करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एनालाइज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़ एंड इंटर की। अल्फ़ाबेट की सबसे पहले हम करेंगे। अल्फ़ाबेट की क्या होती है, हमने रीड किया तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, लेटर्स। तो जो चीज़ लेटर्स वाली होंगी, ये जिन पे लेटर्स लिखे होंगे उनको हम अल्फ़ाबेट कीज़ बोलते हैं। हम क्या काम है अल्फ़ाबेट कीज़ का, या वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। दीज कीज़ यूज टू राइट लेटर्स, इनको हम लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट की है नंबर की। नंबर की क्या होती हैं, काउंटिंग जिनमें आ जाती है डिजिट्स, उनको नंबर्स बोलते हैं। नंबर की को हम किस लिए यूज़ करते हैं, दीज कीज़ यूज टू राइट नंबर्स या डिजिट। थर्ड नंबर पर है इंटर की। इंटर की हम किस लिए यूज़ कर, दिस की इज़ यूज टू सेलेक्ट एनीथिंग, कुछ भी चीज़ जो है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं, इंटर की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द कीज़ विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस एज द माउस। उन कीज़ के नाम लिखें जैसा कि माउस को हम यूज़ करते हुए जो काम करते हैं वो कीज़ करती हों, जो कीबोर्ड पर मौजूद होती हैं, तो वो कौन सी कीज़ हैं स्टूडेंट्स? आंसर लिखें सी, कर्सर कंट्रोल और एरो कीज़। कर्सर कंट्रोल और एरो कीज़ जो फोर्थ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, वो किस लिए यूज़ होती हैं, जो फंक्शन मॉनिटर सॉरी माउस का होता है वो परफॉर्म करने के लिए। तो आंसर लिखें कर्सर कंट्रोल और एरो कीज़ यूज टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस एज दी माउस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ कीबोर्ड। व्हाट इज़ कीबोर्ड, अ कीबोर्ड इज़ अ डिवाइस एंड आल्सो अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन कैप्स लॉक की एंड नम लॉक की। नंबर 1 पे है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक के बाद सेमी कॉलन लगाएं। उसके बाद इट इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स यूजिंग द अल्फ़ाबेट कीज़ ऑफ अ कीबोर्ड। इसको हम इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ जो लेटर्स होते हैं उनको टाइप करने के लिए, जो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं। उसके बाद है नम लॉक, इट इज़ यूज टू टाइप नंबर यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड ऑन द राइट साइड ऑफ अ कीबोर्ड। नम लॉक को भी हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग न्यूमेरिक कीपैड यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए, और सिर्फ नंबर्स टाइप होते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट कीज ऑफ कीबोर्ड। अब डिफरेंट कीज़ जो कीबोर्ड के ऊपर है उनके आपने नाम लिखने हैं कि वो कितनी कीज़ हैं और कौन कौन सी कीज़ है, डिफरेंट टाइप्स की कीज़ जो हैं वो कीबोर्ड पर मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स आंसर लिखें, नंबर 1 अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर 2 नंबर कीज़, नंबर 3 इंटर कीज़,
नंबर फोर कीज़, नंबर फाइव एरो कीज़, नंबर सिक्स फंक्शन कीज़ एंड नंबर सेवन स्पेशल कीज़। ये कुछ कीज़ हैं जो हमारे काम आती हैं कीबोर्ड के ऊपर यूज़, जिन्हें हम करते हैं अपने काम के लिए या टाइपिंग के लिए या कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर का। चलें स्टूडेंट्स, ये रिटन वर्क भी इस चैप्टर का एंड हो गया है। फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस भी एंड हो गया, जिसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। आपने अच्छी तरीके से इन तीनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है और लिखना भी रिटन वर्क जितना है सारा है। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड लक, हैव अ नाइस डे।